पिछले जान तो एक खबर ये बनी जो नंबर प्लेट हार्ट में सर, आज यहाँ पे किस तरह से अभियान चलाया जा रहा है आपके द्वारा, आईटी विभाग के द्वारा, यातायात पुलिस के द्वारा? ये संयुक्त अभियान है, अभी यातायात पखवाड़ा चल रहा है 17 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक, जिसके अंतर्गत आज 8वें दिन
हमें चेक करना था काली फिल्म हीटर और जो प्रेशर हॉर्न, उनके लिए काम चल रहा है। खासतौर से प्रदूषण की भी जांच की जा रही है। जिन वाहनों के पास प्रदूषण के सर्टिफिकेट है लेकिन वो अगर धुआं दे रहे हैं तो हम अपनी मशीन खुद लगा करके यहाँ चेक कर ले रहे हैं कि उनका ठीक है। तो और सर कितनी अभी तक कार्रवाई हुई है गाड़ियों पर? हमने अभी गिनती नहीं करी, जो मिल रहा है पूरी टीम लगी हुई है, टीम लिए हैं वो काम कर रही है, अभी कम्युलेट नहीं किया गया है, फिर भी अप्रॉक्सीमेट 25 गाड़ियाँ हो चुकी हैं। ठीक है, वाहन चालकों को क्या संदेश दे रहे हैं आप? सुरक्षित रहें, सुरक्षित चलें और सड़क पर यातायात नियमों का पालन करें। सर आज किस तरह से अभियान चलाया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है, हाईटेक चेकिंग किया जा रहा है? जैसा कि आपको पता ही है कि यातायात जागरूकता पखवाड़ा चल रहा है 17 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक, इसी में आज 8 बजे का कार्यक्रम है। ध्वनि प्रदूषण यंत्र के द्वारा प्रेशर हॉर्न की चेकिंग की गई और PUC कंट्रोल जो मशीन होती है हमारे पास पॉल्यूशन के लिए, पॉल्यूशन चेक करने के लिए, उस मशीन के द्वारा जितने भी वाहन हैं उनको चेक किया गया कई सारी। और अन्य में हमने जो है काली फिल्म हटाने का अभियान भी साथ में चलाया हुआ है, इसके साथ साथ जो रोज़ हेलमेट बिना हेलमेट विदाउट सीट बेल्ट वाले लोगों को सर तीन सवारियों पर लगातार बड़ी कार्रवाई की जा रही, लगातार वो उनको जागरूक भी किया जा रहा है। हाँ, हमारी कोशिश ये है कि पहले तो दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट ज़रूर लगाएं, अपना भी लगाएं और पीछे बैठे सवारी का भी लगाएं, हेलमेट लगवाएं। और तीन पहिया वाहन को तो इसमें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन हम देते हैं कि इस तरह की जो है राइडिंग ना करें, खतरनाक हो सकती है, रोड पर बैलेंस बिगड़ सकता है। तो हम लोग दोपहिया वाहन पर तीन सवारी या उससे अधिक सवारी जब भी बैठे हैं उसको चेतावनी देते हैं और रिपीट ऑफेंडर्स का चलान। जनपदवासियों को अपील क्या देना चाहेंगे अभियान के द्वारा? जनपदवासियों के लिए हमारी एक ही अपील है कि सड़क पर चलते समय यातायात नियमों का पालन करें, इससे आपकी और आपके साथ साथ अन्य राहगीरों की भी जान जो है सुरक्षित रह सकती है।